एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ मैट्रिक्स प्रोडक्ट से रिबॉन्डिंग। सो आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी जब मैंने थ्योरी वाली वीडियो बनाई थी कि मैम आप मैट्रिक्स प्रोडक्ट से रिबॉन्डिंग बताओ। सो आप इसे परमानेंट स्ट्रेटनिंग भी बोल सकते हो, ये लगभग आपके हेयर में एक साल रहता है। और गाइज, मैं आपको सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज देना चाहती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये रहा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो मैं यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट क्रीम, देन सेकेंड न्यूट्रलाइजिंग क्रीम, शैम्पू, सीरम एंड मास्क, सारी मैं इसी ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ। तो आपको वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगी भी हर एक प्रोडक्ट। सो ये वाला जो आपको दिख रहा है बड़ा सा, इसे हम सेकेंड क्रीम बोलते हैं न्यूट्रलाइजर। और ये जो आप देख रहे हो पाउच में, इसे हम फर्स्ट क्रीम बोलते हैं। और मैं वेरिएंट जो यूज़ कर रही हूँ वो है रेसिस्टेंट। सो अच्छी क्वालिटी की हेयर थी तो आप यूज़ कर सकते हो रेसिस्टेंट, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। एंड देन शैम्पू, सीरम, मास्क, ये रहा। आप अपने क्लाइंट को भी यही रेकमेंड करोगे जब वो स्मूदनिंग या फिर रिबॉन्डिंग करवाते हैं। सबसे पहले आप इनके हेयर देख लो किस तरह के हैं। सो गाइज, इनके हेयर अच्छे थे बट ऊपर से कर्ल्स थे, क्योंकि इन्होंने एक साल पहले स्मूदनिंग करवाया था। बट जिन्होंने भी इनका स्मूदनिंग किया था तो वन वॉश में ही हेयर ख़राब हो गए थे इनके, यानी बिल्कुल रिजल्ट नहीं आया था। सो इस वजह से इन्होंने फिर से मुझसे करवाया, तो मैंने रेसिस्टेंट ही यूज़ किया, मुझे रिजल्ट अच्छा चाहिए था। तो शैम्पू मैंने बॉल में निकाली है। एंड आपको शैम्पू स्टेशन पे क्लाइंट को ले जाना है, मतलब शैम्पू स्टेशन के पास क्लाइंट को ले जाना है और अच्छे से क्लीन करना है हेयर को। शैम्पू आपको दो बार करना है। और हाँ, आप कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आप ध्यान से देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है शैम्पू। तो कोई भी प्योरीफाइंग शैम्पू या फिर आप जिस ब्रांड की कर रहे हो उस ब्रांड की शैम्पू यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद आपको करना है टॉवल ड्राई। आराम से पहले टॉवल ड्राई कर लीजिएगा, देन हम थोड़ा सा ब्लो ड्राई करेंगे। 80% मैं हेयर को ड्राई कर रही हूँ और मैं यूज़ करूँगी प्री ट्रीट में, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को बताया एक साल पहले इनके हेयर पे केमिकल यूज़ हुआ था बट रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं आया था। तो हो सकता है हेयर वीक है, तो ऐसे आपको वीक पता नहीं चलेगा, बट ये आप ब्यूटिशियन हो तो आपको ये सब की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल एक्सटेंसो की प्री ट्रीटमेंट, यानी आप बोल सकते हो इसे प्री ट्रीटमेंट क्रीम। ये स्प्रे टाइप का होता है। 80% हेयर ना ड्राई मैंने कर दिए थे, अब इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, वेट हेयर में भी अप्लाई कर सकते हो और ड्राई हेयर में भी अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, मुझे कमेंट आया था प्रीवियस वीडियो में या फिर 2-3 वीडियो में, मैं नोटिस कर रही थी आप में से बहुत लोग कंफ्यूज है कि प्री ट्रीटमेंट लगाने के बाद हम हेयर को क्या वॉश करेंगे। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। मैंने आप लोग को एकदम डिटेल में थ्योरी में बताया है कि प्री ट्रीटमेंट एक तरीका से आपके हेयर को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम फर्स्ट क्रीम जो यूज़ करें ना रेसिस्टेंट वाली, तो वो थोड़ी सी हार्ड होती है, और प्लस इनके हेयर पर एक साल पहले ही रिबॉन्डिंग हुआ था, भले ही रिजल्ट नहीं आया था, जीरो रिजल्ट था, बट आखिर केमिकल तो यूज़ हुआ था ना। तो हमें हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बस प्री ट्रीटमेंट यूज़ करना है। आप अपने क्लाइंट से चार्ज इसकी ज़्यादा ले सकते हो, 1000 रुपीज़ या फिर 800 रुपीज़, और ये वाला ट्रीटमेंट आप करोगे। छोटे छोटे पार्ट्स में आपको अप्लाई करना है, इमल्सीफाई करना है। बस इसको अप्लाई जैसे आप पूरे हेयर में कर दोगे, बस आपको रुकना है 10 से 15 मिनट के लिए। पीछे वाले हेयर तो ऑलमोस्ट हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है लॉन्ग हेयर में अप्लाई करने में, तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है। तो इसके बाद मैं कर रही हूँ प्रेसिंग। ये करना ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, प्रेसिंग भी कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको एकदम अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, जैसे कि आप बिगनर्स हो और आप थोड़ा घबराते हैं कि मैम हमारा रिजल्ट गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा या फिर 3 डेज़ के बाद खुल तो नहीं जाएगा, और आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने वर्क को लेके, तो मैं बोलूँगी आप एक बार प्रेसिंग कर दीजिएगा फर्स्ट स्टेप में भी। एकदम लाइट प्रेसिंग करना है आपको, और जिनकी कर्ली हेयर होगी ना उन पर आप ये वाला स्टेप ज़्यादा कीजिएगा। इनको तो बस ऊपर में थोड़े कर्ल्स कर्ली हेयर थे, नीचे इनके हेयर अच्छे क्वालिटी के थे। सो आराम से आप प्रेसिंग करना है। और अभी प्री ट्रीटमेंट क्रीम जो हमने अप्लाई किया था ना, वो इनके हेयर में है, आप देख भी सकते हो, तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है। हम जो आयरन भी कर रहे हैं ना, तो प्रोटेक्ट कर रहा है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, हमारे हेयर डैमेज नहीं होंगे। सो इसके बाद हम यूज़ करेंगे फर्स्ट क्रीम को, यानी कि आप बोल सकते हो स्मूदनिंग क्रीम, हम उसे स्मूदनिंग क्रीम और स्ट्रेटनिंग क्रीम दोनों बोलते हैं। सो आपको बाउल में निकाल लेना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके निकालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके निकालिएगा। और ग्लव्स ज़रूर वेयर कर लीजिएगा जब इस क्रीम को आप अप्लाई करते हो। तो आप देखिए, मैंने लाइट प्रेसिंग कर दिया था, अब थोड़ा थोड़ा सेक्शन आपको लेना है, एकदम पतला लीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्रीम थिक होता है तो ये अप्लाई नहीं होगा हर एक हेयर में। और 1 इंच छोड़ के आराम से 1 इंच छोड़ना है और आपको और अप्लाई करना है। तो इनके हेयर लॉन्ग है तो आपको मिड लेंथ तक अप्लाई करना है, देन इमल्सीफाई करना है।
आपने अगर मेरी अदर वीडियोस को नहीं चेक किया है स्मूदनिंग की तो ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक वीडियो को देख के डायरेक्टली रिबॉन्डिंग या स्मूदनिंग घर पे ट्राई करोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा इस वजह से। और रिबॉन्डिंग और स्मूदनिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मैंने बार बार बोला है। अगर आपको एकदम सॉफ्ट लुक चाहिए तो आप फर्स्ट वाले स्टेप में ना आयरन मत कीजिएगा, डायरेक्टली आप ना क्रीम अप्लाई कर सकते हो। और ये हेयर पे भी डिपेंड करता है, हम कर्ली हेयर पे ना रिबॉन्डिंग ही देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। सो क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लेना है, इमल्सिफिकेशन करना है इस तरह से, अच्छे से इमल्सिफिकेशन कीजिएगा। वीडियो में तो मैं कट कर देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा बोर हो जाओ मेरी वीडियोज़ को देख के। और आप मेरी अदर वीडियोस को भी चेक कीजिए, क्योंकि आपको मेरी रिबॉन्डिंग स्मूदनिंग या फिर परमानेंट स्ट्रेटनिंग की वीडियो बहुत पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। सो आई थिंक ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। और अगर आप सोच रहे हैं घर पे करने का तो आप आराम से कर सकते हो, बस आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा मैंने किस तरह से किया है, क्योंकि आपको वीडियो में लगता है इजी, ये होता है इजी नहीं, ये प्रोसेस 7 आवर का होता है लॉन्ग हेयर पे। सो आप समझ सकते हो हम वीडियो में 20 मिनट्स का दिखाते हैं तो हम बहुत कट करते हैं, बट रियल में ये थोड़ा टफ होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ये बहुत इजी होता है। तो बस अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर लीजिए। और हाँ, मैं फिर से स्टेप को रिपीट कर देती हूँ आप लोग के लिए, आप लोग के कन्वीनियंट के लिए। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा शैम्पू, सेकेंड स्टेप हमारा होगा ब्लो ड्रायर। आपको ब्लो ड्रायर करना है या नहीं आप पे डिपेंड करता है, आप वेट हेयर पे भी प्री ट्रीटमेंट को अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने हेयर को ड्राई किया था तो फिर मैंने अप्लाई किया प्री ट्रीटमेंट, देन प्री ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद 10 मिनट्स मैं रुकी, देन मैंने किया प्रेसिंग, यानी कि एकदम लाइट प्रेसिंग। और अब कर रही हूँ मैं फर्स्ट क्रीम का अप्लीकेशन। फर्स्ट क्रीम का अप्लीकेशन जब भी करते हैं छोटा छोटा सेक्शन लेना है आपको, अप्लाई करना है कॉम की पीछे वाली पॉइंट से आपको मिक्स करना है, इससे नीट लगता है आपका सेक्शन। और आपको अगर डर लग रहा है ना कि आपका रिबॉन्डिंग ख़राब हो जाएगा तो आप ऊपर से भी एक बार क्रीम दे दोगे लास्ट में। और बिल्कुल क्रीम की कंजूसी नहीं करनी है इस वाले स्टेप में, क्योंकि यही हमारा मेन स्टेप होता है, इसी से हमारे हेयर के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, देन हम एक नया शेप अपने हेयर को दे पाएंगे। सो देखिए, कॉम जरूर कीजिएगा और कॉम के पीछे वाले पॉइंट से इस तरह से मिक्स, देखिए इसे एकदम नीट लगता है। सो अब ध्यान से एप्लीकेशन देख लो। सो गाइस, क्रीम का एप्लीकेशन करने के बाद मैं पीछे वाले हेयर को चेक कर रही हूँ। आपको क्या करना है, विजुअल चेकिंग करना है हर 20 मिनट्स के बाद। आपको इस तरह से हेयर को खींचना है, पूरे हेयर पे क्रीम अप्लाई कर लीजिएगा, देन आपको चेक करना है 20 मिनट्स के बाद। मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे इनके हेयर पे क्रीम अप्लाई करने में। देन आप देखो पीछे वाले हेयर में आराम से आपको इस तरह का शेप आना चाहिए। अगर इस तरह का एस आकार का वेव बन रहा है, जैसे आप खींचते हो और एस आकार का वेव आपके हेयर में बनता है ना, आप समझ जाइए आपके हेयर के बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। तो इनके हेयर के बॉन्ड आराम से मुझे लगता है 30 मिनट्स के अंदर ही ब्रेक हो चुके थे। मतलब आपको जैसे दिख रहा था मेरे हैंड में शेप, उस टाइप का शेप आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपके हेयर्स में जो होता है ना फर्स्ट क्रीम हो चुका है, मतलब प्रोसेस टाइम हो चुका है। और जैसे आप 30 मिनट्स हो जाए, आप देख लो 45 मिनट्स भी किसी किसी हेयर में लगते हैं, तो इनके तो जल्दी हो गए थे। देन आप क्या करना है, आपको पहले इमल्सिफाई करना है वाटर लेके, देन पीछे वाले हेयर को पहले वॉश कीजिएगा शैम्पू स्टेशन पे, देन उसके 5 या 10 मिनट्स के बाद फ्रंट के। सो गाइज, मैंने वीडियो में इतना नहीं दिखाया आपको, बस मैंने प्लेन वाटर से हेयर को वॉश किया है एंड देन ब्लो ड्राई कर दिया। अच्छे से स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर लीजिए पेडल ब्रश की मदद से, और अभी आपको 50% हेयर स्ट्रेट लगेंगे। देन अब आपको करना है प्रेसिंग। गाइज, ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें जो आप आयरन मशीन यूज़ करोगे वो होनी चाहिए सेरेमिक प्लेट और एक गुड क्वालिटी, मतलब कि एक अच्छी ब्रांड की, जैसे कि आप हैवल्स की यूज़ कर सकते हो, आइकॉनिक की यूज़ कर सकते हो, इवन आप फिलिप्स की भी यूज़ कर सकते हो, अच्छी वाली होनी चाहिए जिसमें सेरेमिक प्लेट या फिर टाइटेनियम प्लेट है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ, एक हैवल्स की है और एक है आइकॉनिक प्रो। आप कोई सा भी ब्रांड का ले लीजिए, आइकॉनिक की ग्लैम स्ट्रेटनर भी मैंने यूज़ की, वो भी बहुत अच्छी होती है, प्रो भी बहुत अच्छी होती है, और टाइटेनियम तो उससे भी अच्छी होती है। और गाइस, आप एक बात का ध्यान रखो, आप जब भी आयरन करते हो ना, अगर आपको रिबॉन्डिंग जैसा इफेक्ट चाहिए एकदम पोकर स्ट्रेट, आप 2 बार प्रेसिंग कीजिएगा। ये वाला जो मैं प्रेसिंग कर रही हूँ ना, इसके बाद मैं फिर से एक बार और करती हूँ पूरे हेयर को, मतलब होता है ना पूरे अच्छे से एक एक हेयर में आपके हीट लगना चाहिए। और 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए आपके क्लाइंट को ना थोड़ा सा मतलब हॉट टाइप का लगेगा जब आप उनको ना करते हो, क्योंकि क्या होता है अचानक से जब हम आयरन करते हो थोड़ा थोड़ा इसका जो होता है ना आपके क्लाइंट को लग सकता है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। देखिए,
और ऊपर वाले पोर्शन पे एकदम फास्ट मूवमेंट में कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि वही भी हमारे सबसे ज़्यादा कर्ली हेयर रहते हैं। और जैसे जैसे आप प्रेसिंग करोगे आपको शाइन हेयर में नज़र आता जाएगा और आपको रिजल्ट भी पता चलेगा। सो गाइज, मैंने क्यों बोला ये स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी जो हम हेयर को नया शेप दे रहे हैं ना, यही हमारा लास्ट में फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसके बाद हम न्यूट्रलाइजर को यूज़ करेंगे। तो न्यूट्रलाइजर क्या करता है, लॉक करता है, जैसे हम फेविकॉल अप्लाई करते हैं ना तो वो फिक्स कर देता है, उसी तरह से अभी जिस पोजीशन में आपके हेयर रहेंगे ना, लास्ट में यही वाला शेप आएगा आपके हेयर में। इसलिए मैंने बोला प्रेसिंग जितनी अच्छी होगी ना आपका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। तो एक बार मैंने पूरे हेयर पे कर दिया और फिर से इसी स्टेप को रिपीट करूँगी, यानी एक हेयर को समझिए आप 15 to 20 टाइम्स आपको करना है, या फिर आप जितना हो सके अच्छा प्रेसिंग कीजिए। अगर आपको एकदम पोकर स्ट्रेट चाहिए तो आपको एक हेयर को 15 to 20 बार करना पड़ेगा। तो ये सब बात का ध्यान रखिए। मैंने वीडियो में इतना नहीं दिखाया, कट कर दिया, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सो ये रहा फाइनल, मैंने एकदम प्रेसिंग कर दिया अच्छे से, आप देख भी सकते हो कितना अच्छा साइन आया हेयर पे। अब हम करेंगे न्यूट्रलाइजर अप्लीकेशन। तो हेयर को थोड़ा ठंडा होने दे दीजिएगा और कटिंग सीट वेयर करवा दीजिएगा। और देखिए मैं अभी न्यूट्रलाइजर को निकाल रही हूँ, और आप लॉरियल की करो, मैट्रिक्स की करो, मुझे लगता है रिजल्ट सेम ही आता है। बस मुझे ऐसा लगता है कि लॉरियल में थोड़ा साइन ज़्यादा आता है, 10% आप बोल सकते हो। मैंने एल्युमिनियम फॉइल इसलिए अप्लाई किया है ताकि ना प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए और थोड़ा नीट भी लगता है, क्लीन भी लगता है, कटिंग सीट भी आपकी ना ज़्यादा गंदी नहीं होगी अगर आप इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लगा दोगे। अगर आपके पास नहीं आप स्किप भी कर सकते हो। सो जिस तरह से हम फर्स्ट क्रीम का अप्लीकेशन करते हैं उसी तरह से करेंगे। और हाँ, एक बात बोलना चाहती हूँ, न्यूट्रलाइजर को ना आप मतलब रूट या स्कैल्प के पास से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर ये स्कैल्प पे भी लग जाता है ना तो घबराने वाली बात नहीं है, बट कोशिश कीजिएगा ज़्यादा अप्लाई नहीं करने का, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आपको पूरा अप्लाई कर देना है, वरना इनको डैंड्रफ हो जाएगा। सो देखिए किस तरह एकदम अच्छे से इसमें इमल्सिफिकेशन अच्छे से करना है आपको, एकदम मतलब कोई भी हेयर ना मुड़ने नहीं चाहिए। और 10 मिनट्स के लिए आपको अपने क्लाइंट को बोलना है कि एक पोजीशन में रहे, क्योंकि गाइज ये वाला जो स्टेप होता है ना यही मेन हुआ लास्ट में। अगर अभी 10 मिनट तक आपके क्लाइंट इधर उधर होंगे ना तो लास्ट में वही शेप या आ जाएगा या पोजीशन आ जाएगा हेयर का। तो 10 मिनट बस बोलिए क्लाइंट को एकदम स्टेबल होकर बैठने के लिए, क्योंकि ये बस लॉक कर रहा है आपके हेयर को। तो इसमें थोड़ा मोटा मोटा सेक्शन लेके आप वर्क कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगी आप टीम वर्क करें, आप स्टूडेंट की हेल्प ले लें, ये मेरी स्टूडेंट है, आपके घर में अगर सिस्टर है आप सिस्टर की हेल्प ले सकते हो, क्लाइंट की भी आप ले सकते हो, क्लाइंट को बोलना आप पकड़ने को। तो आराम से देखिए न्यूट्रलाइजर का अप्लीकेशन कैसे कर रही हूँ। ये थोड़ा रनी होता है इस वजह से मैंने बोला आप थोड़ा मोटा सेक्शन में वर्क कर सकते हो। तो इसकी अप्लीकेशन आप ध्यान से देख लीजिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, और इसको अप्लाई आपको एकदम फास्ट करना है। 10 या 15 मिनट्स के अंदर मैंने अप्लाई कर दिया था, इतने लॉन्ग हेयर है फिर भी मुझे फास्ट मूवमेंट में हो जाता है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। बट अगर आप बिगनर से तो मैं बोलूँगी आप 2 आदमी के साथ काम करें। इसको भी क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, कॉम्ब करना है, और पीछे कॉम्ब की जो पीछे वाली पॉइंट होती है उससे मिक्स कर देना। इससे क्या होता है एकदम नीट लगता है। और आप अगर मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे या फिर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपने मेरी बहुत सारी रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग की वीडियो देखी है, प्लस मेरी वीडियो को देख के बहुत लोग घर पे रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग करते हैं और बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आता है। मुझे बहुत लोगों ने पिक भी सेंड किया इंस्टाग्राम पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से आप लोग की बहुत हेल्प हो रही है। सो जो भी नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैंने इस साल अपना 100K का गोल रखा, मुझे नहीं पता कंप्लीट होगा या नहीं, बट एक मैंने गोल रखा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन आपको मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी रिबॉन्डिंग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो देखिए कितने आराम से करना है आपको, और अल्मोनियम फॉल के ऊपर मैं रखते जा रही हूँ, बस आराम से धीरे धीरे आप कर लीजिए। और हाँ, मैं ये बोल रही थी आप अपने क्लाइंट को बोलना कि 3 days या 48 hours तक कम से कम वो अपने हेयर को कान के पीछे ना रखे, नहाते वक्त शावर कैप वेयर कर ले, फिर ना जब सोते हैं तो तकिए के पीछे हेयर को रख ले। 48 hours का प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि यही 48 hours में ना बहुत के हेयर मतलब
कर्ली हो जाते हैं या फिर वेव आ जाता है, क्योंकि ना अगर पानी चला जाता है या फिर बहुत लोग ईयर के अंदर रख लेते हैं और बाद में क्लाइंट आपको शिकायत करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने क्लाइंट को पहले ये सब प्रिकॉशन बता दो कि मैम आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2 दिन तक आप प्रिकॉशन में रहे। और ठंड के मौसम के लिए तो बेस्ट होता है रिबॉन्डिंग या फिर स्ट्रेटनिंग, क्योंकि अभी स्वेटिंग की भी दिक्कत नहीं होती है और आप खुले हेयर रख भी सकते हो। सो धीरे धीरे आप देखिए मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। सो आराम से आप देखिए मेरी वीडियोस को। गाइस मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर लॉन्ग हेयर है ना तो आप कोशिश करें ईयर टू ईयर वाले पार्ट्स को इस तरह से रखने का, इससे फ्लैट लुक आता है। आप चाहे तो सारे हेयर को पीछे भी ला सकते हो, बट अगर लंबे हेयर है ना तो आप इसी तरह से शोल्डर पे रखिएगा। और हाँ, इसको आप जैसे अप्लाई कर देते हो आपको 15 मिनट तक या 10 मिनट तक अपने क्लाइंट को बोलना है स्टेबल होके बैठे। इसके बाद आप क्या करना है, प्लेन वाटर से इसको वॉश कर दीजिएगा और लास्ट में आप यूज़ कर सकते हो मास्क को जो आती है मैट्रिक्स के ही। तो पहले इसको प्लेन वाटर से वॉश कर दीजिएगा और शैम्पू स्टेशन पे ही मास्क को अप्लाई कीजिएगा, 5 मिनट रहने दीजिएगा, उसको भी मतलब आपको रिंस ऑफ कर लेना है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट में कि मैं मास्क को क्या रहने देंगे, तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि हम मास्क को कैसे रहने देंगे। सो इसके ऊपर भी मैंने एल्युमिनियम फॉइल को अप्लाई कर दिया था। अब लास्ट में बस मैंने क्या किया, आराम से हेयर को क्लीन कर दिया। और अब करना है आपको ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई भी जब आप करते हो पहले ठंडा हवा देना है और आपको फिर गर्म हवा देना है, और आपको सीरम भी अप्लाई कर लेना है। गाइज सीरम अप्लाई कर लीजिए, देन आप ब्लो ड्राई करोगे ना तो हेयर प्रोटेक्ट रहते हैं, क्योंकि आप हेयर पे हीट दोगे इस वजह से। सो सीरम अप्लाई करने के बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, ब्लो ड्राई कर देना 100%। बस फाइनल रिजल्ट यही हुआ। लास्ट में अगर आपको प्रेसिंग की नीड लग रही है तो आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। मैं बोलूँगी आप दे दीजिएगा लाइट प्रेसिंग तो अच्छा रहता है, अगर आपके क्लाइंट हेयर को इधर उधर कर भी लेते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फिलहाल तो मैं बस ब्लो ड्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोग को रियल रिजल्ट दिखाना है। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप अपने क्लाइंट के हेयर को जब ब्लो ड्राई करते हो तभी इनके हेयर में वेव या कर्ल्स आ जाते हैं ना, पहले जैसे लगते हैं, आप समझ जाइए आपका रिजल्ट खराब हुआ है। बट अगर ब्लो ड्राई करते वक्त ही पूरे हेयर स्ट्रेट लग रहे तो समझ जाइए आपने रिजल्ट आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है और आपने वर्क काम जो किया है वो बहुत अच्छा हुआ। जैसे कि इनका मैंने कोई भी आयरन नहीं किया था, मुझे नीड भी नहीं लग रहा था और इतना अच्छा रिजल्ट आया है, आप खुद देखिएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ध्यान दीजिए, ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है। सो यही है इनका फाइनल रिजल्ट विदाउट प्रेशिंग और आयरनिंग, आप देख भी सकते हो, मैं थोड़ी बातें भी कर रही हूँ। सो देखिए बस यही है कंप्लीट फाइनल रिजल्ट, मैंने कोई आयरन और कोई प्रेशिंग नहीं किया, बस ये वाला जो मैंने क्लिप ऐड किया इसमें हल्का लाइट प्रेशिंग किया था बस। सो सीरम अप्लाई मैंने ऊपर से कर दिया था और यही है फाइनल रिजल्ट गाइस। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो कि बिल्कुल बिल्कुल फ्री होता है। और सब्सक्राइब जब भी करते हो उसके बगल में एक बेल आइकन दिखता है, उसको हिट कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। बाय बाय एंड टेक केयर।